भैया, अभी आप लोगों को भगवान बुद्ध जी के शिक्षा के बारे में बताऊंगा। जो शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है, तो भगवान की वाणी को तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये कम महत्व की है, ये ज्यादा महत्व की है, या ये सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिपिटक में, ये बात सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आप गृही जीवन जीते हैं, और गृही जीवन जीते हुए अगर आप चाहते हैं कि मैं भगवान की शिक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से समझूं, तो आपके लिए धम्मपद एक ऐसा ग्रंथ है जो आपके लिए बेहतरीन मार्गदर्शक बनेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान की बाकी वाणी कम महत्व की है। भगवान की समग्र वाणी इतनी महत्वपूर्ण है निर्वाण के लिए, मोक्ष के लिए, कि सोच नहीं सकते। उसका कहीं कोई एक पद भी ऐसा नहीं है जो कम महत्व का है। लेकिन इस बुद्ध वाणी में अगर आप चाहते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो मुझे सबसे मतलब जो करीब लगने वाला, जो मुझे सबसे आसान लगने वाला, जो मुझे जिससे कि मुझे जीवन में जो धर्म धारण करूं या मैं जिससे धर्म के अर्थों को समझूं, तो ऐसा अगर चाहते हैं तो आपको धम्मपद पढ़ना चाहिए। धम्मपद समझने में भी आसान है और प्रायोगिक है, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें मतलब भगवान की शिक्षा को समझ सकते हैं। तो ये ग्रंथ गृह जीवन जीने वाले और धर्म का ज्ञान करने की चाहत रखने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, नमो बुद्धाय।